लखीसराय जिले के नया बाजार पचना रोड चौक के समीप रसोईया कर्मी के द्वारा मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। सैकड़ों रसोईया कर्मियों ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इस संबंध में रसोईया शोभा देवी ने कहा कि एमडीएम रसोईया का पारिश्रमिक तत्काल बढ़ाने एवं न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए प्रतिमाह करने एवं रसोईया के मुद्दों पर विचार एवं समाधान के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समाधान समिति का गठन करने तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से काम से हटाए गए रसोइयों को पुनः कार्य पर वापस करने तथा रसोई से निर्धारित काम के अतिरिक्त कार्य लेने पर सख्ती से रोक लगाने एवं जमीन के अभाव में भवन विद्यालय की अनुप्रारंभिक विद्यालय में मर्ज होने पर शिक्षक के साथ एमडीएम रसोईया का समायोजन सुनिश्चित करने तथा मध्याह्न भोजन योजना का नगरीकरण एवं एनजीओ निजी ठेकेदारों कंपनियों के हवाले करने की कार्रवाई पर रोक लगाने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आत्महत्या कर रहे हैं, यह एनडीए गठबंधन का देन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात हुई, वह जुमलेबाजी में रह गया है। आज नोटबंदी से लोग तबाह हो गए हैं और काले धन की वापसी नहीं हुई है और काले धन का जो उपयोग करना चाहिए था नहीं हुआ है। आज राष्ट्रभक्ति की परिभाषा लोग सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। संविधान बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं। कोर्ट से बात देश के अंदर नहीं रहेगा, गांधीवाद मार्क्सवाद रहेगा और इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और हम जो हैं वाम समन्वय समिति की ओर से पूरे देश का चक्का जाम किए हुए हैं।